जय हिंद दोस्तों, मैं आज दिखाऊंगा आपको दूसरी वाली यूरिया डालते हुए धानों में। और ये देखिए धान काफ़ी बड़े हो गए और अच्छा खासा मुजंड लिया है। मैंने आपको एक बार दिखाया था, इसमें ढेचा था और इसकी वजह से, जैसे मैं दिखाऊं, ज़रा जूम करो भी, ये ज़रा करीब से दिखाओ, ज़रा जूम करके पास को आओ। और बात जैसे ये देखिए आप, इस धान में एक एक मुजंड में इसके कम से कम 25-25, 30-30 कल्ले हैं अभी। क्योंकि जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, इसमें ढेचा था इस खेत में, और ढेचे के बाद में हमने इसमें वो डाला था, जाइम डाला था और जिंक डाली थी उसमें। उसने दोनों चीज़ों ने काफ़ी फ़ायदा किया है इसमें। और ये जो है काफ़ी अच्छा खेत है। देखो अगर मैं पूरा दिखाऊँ आपको, काफ़ी बड़ा खेत है और बहुत अच्छे धान हैं इसमें। जहाँ जहाँ आप ये पीला पीला धान दिख रहा है आपको, ये इसमें एक बीमारी हो ही जाती है 15-09 में, जिसे तुर कहते हैं, वो हो जाती है। लेकिन वो खुद अपने आप ख़त्म हो जाती है, उसकी ज़्यादा दवा हुआ कुछ नहीं डालना चाहिए। और बहुत ज़्यादा हुए तो आप उसमें साफ़ का स्प्रे कर सकते हैं या साफ़ यूरिया के साथ में लगा सकते हैं। और अभी ये दूसरी यूरिया जो है हम डाल रहे हैं। और जैसा अगर आपको देख पाते हो कि हमारे धानों में काफ़ी पानी है, पूरी टी शर्ट हमारी पसीने में तर हो चुकी है। इधर इसकी जावेद की भी पूरी टी शर्ट पसीने में तर है, पसीना माथे से टपक रहा है। और देखो ये माथे से पसीना टपक रहा है और काफ़ी पूरे भीग चुके हैं हम लोग। यानी इतनी गर्मी है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ख़ास तौर से ये हम उन लोगों को बताना चाह रहे हैं जो हमारे शहर के कुछ लोग हैं बेचारे, जो हम लोगों के बारे में, यानी हमारे बारे में नहीं जानते हैं, किसान के बारे में नहीं जानते हैं, किसान कैसे मेहनत करता है, क्या करता है। उन लोगों को हम ये बताते हैं, जैसे वो लोग घरों में बैठ के अपने एसी में बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि साहब किसान जो है वो टोकरी में ले जाता है और बोरों में लाता है भर के। एक ये कहावत है उनकी शहर वालों की कि साहब किसान को टोकरी में लाता है, ले जाता है और बोरों में लाता है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि इसके पीछे टोकरी में ले जा के बोरों में ला के लाने का मकसद क्या है। सिर जिसे कहते हैं कि माथे का पसीना एड़ी पे आ जाता है, वही चीज़ है। और इसीलिए ला पाता है। अब अगर आप लागत देखें तो किसान को बचता कुछ नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ रही है। इस बार बारिश बहुत कम हो रही है, ये सारा पानी ट्यूबवेल का भरा हुआ है। अभी थोड़ी बारिश हुई थी कल परसों में, उसका सा थोड़ा पानी है, बाकी ट्यूबवेल का भरा हुआ है। बहुत मेहनत करना पड़ रही है। और ये देखो, ये भाई ज़रा ज़रा जूम करो, ये मैं दिखाऊँगा, ये कछुआ आया हमारे खेत में। और ये जो है हम लोग, ये देखो उसका वो हो रहा है, इसे पकड़ेंगे नहीं क्योंकि इसमें अंडे उंडे हैं इसके, ये बहुत अच्छा मानते हैं इससे। हम लोग किसान लोग कहते हैं कि फसल बहुत अच्छी होएगी। और अब देखो, चलो रोक ले ज़रा। अब ये देखो दूसरी यूरिया हमने डालना शुरू कर दी है। इस बार तो काफ़ी बखेर भी, देखो ये जो है, यहाँ डर भी बहुत रहता है, सांप वाँपों का भी डर रहता है किसान को, क्योंकि अक्सर सांप मिलते रहते हैं यहाँ पे, काटने का डर रहता है, बारिश में बिजली तड़पने का डर रहता है। तो बिजली से किसान अक्सर ऐसा बताया कि साहब बिजली तड़पी, किसान मर गया। कोई घर में बैठा आदमी थोड़ी मरता है, ना शहर में बैठा आदमी मरता है। बस ये है कि किसान अपने बच्चों के नसीब से और अपनी मेहनत से जो भी कुछ कमा लेता है वो कमा लेता है, बाकी मेहनत तो बहुत ही करता है किसान। बाकी ये है कि सब जो है किसान अल्लाह के भगवान के भरोसे छोड़ देता है। किसान जो है अपना पैसा ज़मीन में खेत फेंकता है, तो बाकी सब भगवान के अल्लाह के भरोसे छोड़ देता है कि जो देगा वो दे देगा। इससे किसान से बड़ा जुआरी कोई नहीं है। किसान जो है अपनी मेहनत पे जीता है, बिजनेसमैन अपना एक लगाएगा तो तीन के चक्कर में रहता है कि मैं तीन कब कमा लूँ। किसान मेहनत करता है, तो मेन चीज़ और किसान की मेहनत होती है। तो ये जो है देखिए, वैसे काफ़ी इस बार थोड़ी अच्छी फसल है, जैसे ऐसे की वजह से ये कुछ अच्छी है। और ये जो अगला वाला खेत है हमारा, ये थोड़ी सी फसल ज़रा दबा हुई है हल्की। ये जैसे हम दिखाएं आपको, ये वाली फसल जो है ये ज़रा थोड़ी दबी हुई है। अब इसमें यूरिया पड़ेगा तो हो सकता है कुछ सही हो जाए। अब देखते हैं अल्लाह मालिक है आगे से क्या होता है। रोक लो,
अब ये तो साहब अगर कुछ लोग कहेंगे कि साहब अंडरवियर में है, लेकिन क्या करें, यहाँ पैंट और जूते पहन के तो यूरिया नहीं डाल सकते, क्योंकि बहुत इसमें पानी काफ़ी है, काफ़ी काफ़ी गहरा है, कम से कम एक एक आधा आधा फिट पैर इसमें मिट्टी में गड़ रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि साहब जूते और पैंट पहन के हम लोग यूरिया डालेंगे। अब ये है कि सूखा खेत होता तो कुछ पहन सकते थे, लेकिन भैया क्या करें, मजबूरी है। चलो भैया उधर डालते हैं।